ओके गुड मॉर्निंग एवरीवन सो अभी हम क्या करेंगे वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करेंगे और डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम एन सी बुक ऑफ क्लास सेवन सो हियर इज़ एक्टिविटी गिवन यहाँ एक एक्टिविटी दिया हुआ है एक्टिविटी फोटीन पॉइंट फाइव इस एक्टिविटी में क्या करना है टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्टेड मैच बॉक्स एक डिस्कार्टेड मैच बॉक्स से उसका जो है कार्डबोर्ड ट्रे हमको ले लेना है और उसको क्या करना है इलेक्ट्रिक वायर से जो है उसको हमें क्या करना है लपेट देना है चारों तरफ से जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पर इस वायर इस का, मैजिस्टिक कार्डबोर्ड में क्या किया है चारों तरफ से उसे वायर से लपेट दिया गया है और उसके अंदर एक छोटा सा मैग्नेटिक डिल जो है रख दिया गया है और फिर हमने क्या किया जैसा कि आप देख रहे हो कि सर्किट है तो एक पावर एक सेल है उस सेल के साथ हमने इस वायर को कनेक्ट कर दिया है और हमारा स्विच जो है अभी ये ओपन है यहाँ पर यह स्विच अभी ओपन है है ना तो ये हमने यहाँ पे एक सेटअप किया है जिससे हम चेक करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ करेंट ऑन ए कॉम्पास लेकिन इससे पहले कि हम इस सर्किट को ऑन करें स्टार्ट करें हम क्या करेंगे एक छोटा सा मैग्नेट लेंगे और इस और इस मैग्नेटिक uh, जो निडिल है वहाँ पर लेके जाएंगे तो हम देखेंगे कि इसका जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से ये वेरी करना शुरू करें हम सब जानते हैं क्या जानते हैं कि अपोजिट पोल्स अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट इच अदर अपोजिट जो पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपल्स कर देते हैं सो so, यहाँ पर क्या हो गया कि हमने क्या किया चेक कर लिया एक दूसरा मैग्नेट लेके स्मॉल कॉम्पास नीडल को पास ले जाकर उसे चेक कर लिया अब हम क्या करेंगे ये चेक करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि जो स्विच है हमारा उसको हम ऑन पोजिशन में कर देंगे तो जैसे ही हम उसको ऑन पोजिशन में करेंगे हम क्या देखेंगे कि हमारा जो मैग्नेट है जो मैग्नेट हमने उस कार्डबोर्ड के अंदर रखा है कॉम्पास का मैग्नेटिक निडल वो अपने जगह से क्या होगा हिलना शुरू कर जाएगा कर देगा क्यों करेगा हिलना शुरू वो हम लोग आगे देखते हैं बट यहाँ पर, पर देखिए जो पिक्चर है ये है एक साइंटिस्ट है हांस क्रिश्चन और एस्टेट इनका जन्म हुआ था सत्रह सौ सतहत्तर या सेवनटीन हंड्रेड सेवेंटीन एडी और उनकी जो लाइफ स्पैन वो एंड हुई थी 1851 हंड्रेड एंड फिफ्टी वन तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही हमने क्या किया है उस वायर से इलेक्ट्रिक को पास कराया है तो वो जो निडिल है वो थोड़ा सा इधर उधर डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया है और यहाँ पर हम क्या करेंगे जैसे ही उसे ऑफ करेंगे उसमें डिफ्लेक्शन स्टॉप हो जाएगा तो हम इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करके देख लेंगे कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और यहाँ पर जब हम उसे ऑब्जर्व करेंगे उस छोटे से टाइनी मैग्नेट को कि जो कि साउथ एंड नॉर्थ डायरेक्शन में है तो जैसे ही हमने उसके पास मैग्नेट ले गया तो वो निडल डिफ्लेक्टेड होना शुरू हो गया द निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड अपने जगह से वो हिलना डुलना शुरू कर गया और जैसे ही हमने वो इलेक्ट्रिक वायर भी फ्लो करवाया तो भी क्या है उसमें मूवमेंट हो रहा है तो ये जो इफेक्ट है है ना करेंट अगर वायर से फ्लो करता है तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द करेंट सो दिस इज़ वॉट अ साइंटिस्ट कॉल्ड हांस क्रिश्चन और वंडर तो सबसे पहले यही साइंटिस्ट थे हांस क्रिश्चियन और जिन्होंने ऑब्जर्व किया था इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट को ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु नोटिस द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉम्पास न्यू एवरी टाइम द करेंट वॉज पास थ्रू द वायर जब भी करंट जो है वायरस के पास कर रहा है तो उन्होंने देखा कि यहाँ थोड़ा सा मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जरूर प्रोड्यूस हो रहा है सो वेन इलेक्ट्रिक करेंट पासिस थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैगनेट उन्होंने क्या देखा कि जब भी जो है इलेक्ट्रिक करेंट जो है वो वायर स हो के पास कर रहा है तो वो एक मैगनेट की तरह बिहेव करना शुरू कर दे रहा है एंड दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट इन फैक्ट एंड इलेक्ट्रिक करेंट कैन बी यूज टू मेक मैगनेट्स डू यू फाइंड इट टू सरप्राइजिंग लेट्स अस ट्राई इट आउट तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज़ टू मेक मैग्नेट्स मतलब ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो है इसको हम यूज़ करके एक पावरफुल मैग्नेट भी बना सकते हैं तो उसी चीज़ को हम लोग अब आगे एक इलेक्ट्रो मैगनेट के फॉर्म में हम लोग आगे इसको स्टडी करेंगे या फिर आप यूँ कह सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रिक बेल है यहाँ पर भी जो है हम बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस करके हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक बेल की तरह से जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में और यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान क्या रखना है कि रिमेंबर नॉट टू स्विच ऑन द करेंट फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड्स एट ए टाइम द इलेक्ट्रोमैग्नेट मैगनेट वीकेंस दिस क्विकली इफ लेट कनेक्टेड यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या रियल लाइफ में भी कुछ भी कर रहे हो तो जो इलेक्ट्रो के साथ जो सेल है उसको ज़्यादा देर तक हम ओपन लेके नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो उसको क्या करेगा तुरंत ही वो सेल की सारी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेगा केमिकल एनर्जी को यूज़ कर लेगा और आपका सेल क्या हो जाएगा वीक हो जाएगा सो so, मुझे लगता है कि आप लोगों को जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो बेसिक है थोड़ा बहुत वो आपको समझ में आया है तो इस वीडियो के एंजॉय कीजिए अगर पसंद आए तो लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तो थैंक यू फिर मिलेंगे